दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी ब्लॉगर में। तो आज सीन कुछ ऐसा हो गया था, काफी समय से मेरा फ्रेंड रामनगर से बुला रहा था, उनके यहाँ आम लगे हुए हैं, उनका एक फार्म हाउस है छोटा सा। तो बारिश का सीजन चल रहा था, तो उत्तराखंड में बहुत बारिश हो रही है, हल्द्वानी में भी बारिश हो रही थी। तो आज थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ, फोन आया था तो मैंने कहा चलते हैं आज वहाँ। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं और अब हल्द्वानी रामनगर के बीच में हूँ और यहाँ रुका हुआ हूँ। देखिए चारों तरफ कितनी हरियाली हो रही है, मौसम कितना सुहाना हो रहा है यहाँ का, और बारिश का भी सीन बन सकता है। लेकिन ठीक है, अभी मैं रेनकोट वगैरह सब मैं अपना लेके चला हूँ। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं और आम भी अगर मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। वैसे काफी अभी मैं रामनगर से पहले करीब 5-7 किलोमीटर दूर एक पुल के पास खड़ा हुआ हूँ। और अभी आप ये देखिए, ये बरसाती नदियाँ हैं, पहले तो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन अभी क्या होता है, इन नदियों में बारिश के समय ही पानी रहता है, वैसे तो पानी बहुत कम आता है सामने, अभी इसमें पानी कम है, लेकिन जैसे ही पहाड़ों में ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये सब चारों तरफ पानी। मैं आ गया हूँ रामनगर में, तो ये क्या रामनगर में बैराज पर खड़ा हुआ हूँ। तो इधर से हम जगह जाएंगे सामने से तो रामनगर शहर की तरफ जाते हैं, और ये सीतावनी वाला जो रास्ता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहीं से हम अपने फ्रेंड के यहाँ जो उसका फार्म हाउस है वहाँ जाएंगे। तो अब यहाँ से हम फार्म हाउस की तरफ चलते हैं, और यहाँ अभी सामने ऊपर से ही पानी जा रहा है, नीचे रपटा बना हुआ है, अब इसके ऊपर से ही मेरे को आगे को जाना है, और करीब 500 मीटर जाने के बाद ही फ्रेंड का फार्म हाउस आ जाएगा। तो अभी फाइनली मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रिसोर्ट में आ गया हूँ, और यहाँ इनके आम के बगीचे भी हैं। तो आज मैंने आपको बताया था कि मैं आम लेने के लिए स्पेशली यहाँ आया हूँ, मैं पीछे की साइड आ गया हूँ, और ये देखिए यहाँ पे आम के काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं, कुछ आम तो ये दिख रहे हैं यहाँ पर, और इधर ये खा चुके हैं आधे से ज्यादा आम तो। और अब मैं बहुत लेट आया हूँ, लेकिन हाँ मुझे भी कुछ मिल जाएगा। लोगों ने क्या करा है, सभी ने अभी आम तोड़ रखे हैं सारे, और आधे आम वो पेटियां सामने दिख रही है वहां पर इन्होंने स्टोर कर रखा है, और कुछ आम अभी पेड़ों में भी लगा हुआ है। तो अभी शायद हमें इसी से आम मिलेंगे या तो तोड़ के मिलते हैं, वो देखते हैं जैसा भी रहेगा अभी सीन। ये कितना सारा स्टोर कर रखा है इन्होंने पूरा आम, तो आम तो बहुत होता है यहाँ रामनगर हल्द्वानी इस पूरे बेल्ट में। भैया देखो ये अभी आम तोड़ रहा है मेरे लिए, और इसने अभी कुछ सारे आम ये इकट्ठे कर लिए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ये जूम करके, और अभी तैयारी चल रही है, अब देखो कितने आम तोड़ता है ये। हाँ हमने आम तो ले लिए हैं, लेकिन अभी एक मेरी समस्या ये हो गई है कि आम पके वाले आम नहीं है, ये आम है कच्चे। तो अभी इसमें क्या है, आम को लेके जाना है और इसमें कार्बेटर से पकाए जाएंगे 1-2 दिन, उसके बाद खाने लायक होंगे। तो अभी लेके जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कब तक पकेंगे, फिर खाएंगे आम, लेके आए हैं तो खाना तो है ही। यू ने तो आम की पेटी पैक कर दी है और ये गाड़ी में लगाई है, बाकी हमारे कृपाल भाई भानु भाई। तो अभी चलते हैं फिर, है ना घर को। ओके ओके बॉस, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों अभी आम ले लिए हैं, अभी ये आए ले लिए हमने दशहरी आम, और इसके बाद दूसरे कौन से आम और तैयार है, लंगड़ा भी तैयार है, चौसा आम भी तैयार है, मतलब आमों की बहुत सारी वेरायटी है। तो 15 दिन बाद फिर आना है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ अभी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।